नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा कर लेते हैं कि बुद्ध का ऋण है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि बहन बेटी का ऋण, ये कुंडली में कब निर्मित होता है या कब निकल के आता है। जब भी बुद्ध के घरों में चंद्रमा बैठ जाए, बुद्ध के जो घर हैं वो खाना नंबर 3 है और खाना नंबर 6 है, इन घरों में जब भी चंद्रमा बैठेगा या बुद्ध के साथ जब भी चंद्रमा कहीं एक साथ प्लेसमेंट होगी या कंजक्शन होगा उसका, उस केस में हम बुद्ध के पितृ ऋण को लेंगे कुंडली में। इसके कारण ये हैं कि हमारे जो बुद्ध का जो पितृ ऋण है उसका निर्माण होने के पीछे कारण ये है कि ये निकल के क्यों आए, कि इसके पीछे जब हमारे पूर्वज जो थे, हमारे बाप दादा जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की को या बहन को इतना घोर प्रताड़ित किया हो कि उसके मुंह से कहीं ना कहीं आपके लिए श्राप निकला हो, और वही श्राप है या जो उस घोर अत्याचार के फलस्वरूप जो उसने बद्दुआ दी थी, उसी के फलस्वरूप आपकी कुंडली में बुध के पितृऋण का निर्माण होता है, जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी। अब बुध के पितृऋण के जब ये उपज जाता है कुंडली में, तो ऐसे इंसान का ना तो व्यापार सही चलता है, और व्यापार में वो चाहे जितनी मर्जी से कोशिश कर ले वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, और ना और इन कामों में उस इंसान का हद से ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है आजीवन। ऐसे इंसान के बहन और बेटी के सुख प्राय जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। ऐसा इंसान या तो उसकी बहन बेटी होती ही नहीं है, अगर होती भी तो घोर ख़राब कंडीशन में होती है, तकलीफ़ वाली परिस्थितियों में उसकी बेटी होती है। तो जब भी बुद्ध के पितृऋण के उपाय की बात आती है, तो सबसे जो इसका मेजर जो रेमेडी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बुद्ध के पितृऋण की रेमेडी की जाती है, अगर आप कुंडली में ये परिस्थितियाँ हैं तो। इसका उपाय इस तरह से किया जाएगा कि अपने खानदान में जितने भी जीवित सदस्य हैं, इसमें बहन बुआ बेटी तो आएंगे लेकिन उनके पति और उनके बच्चे नहीं आएंगे। तो अपने खानदान में जहाँ तक आपको खून का संबंध नज़र आता है, उन सभी से आप बराबर मात्रा में धन इकट्ठा कर लें, और उन पैसों से आप पीली कौड़ियाँ खरीद के लेके आएँ। उन पैसों से जितनी भी पीली कौड़ियाँ हैं, अगर आप 300 ग्राम पीली कौड़ियाँ खरीदते हैं तो और भी बेस्ट है, लेकिन उसमें जितनी आ जाए उतनी पीली कौड़ियाँ लेके आएँ। उन पीली कौड़ियों को मंगलवार की रात को 9 बजे से लेके 3 बजे तक आपको एक मिट्टी का चूल्हा बना लेना है। उस चूल्हे के ऊपर आपको एक मिट्टी की हांडी, उसके अंदर मिट्टी का लेप करके कोयलों की, कपूर की और देसी घी की मदद से सारी रात 9 से 3 बजे तक मंगलवार की रात को आपको उन पीली कौड़ियों को जलाना है, और सुबह 3 बजे के बाद उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें, 3 से 4 बजे तक, 4:15 तक, और उसके बाद जब वो राख ठंडी हो जाए तो उस राख को आपको जल प्रवाह करके आना है। ये जल प्रवाह जो होगा वो बुधवार के सुबह तड़के में होगा, ये ध्यान रखें। मंगलवार को पूरी रात वो उपाय चलेगा जिसमें आपको पीली कौड़ियों को जलाना है, जिसमें मिट्टी के चूल्हे पे मिट्टी की हांडी में मिट्टी का लेप करके कोयले, कपूर और देसी घी की मदद से आपको वो पीली कौड़ियाँ जलानी, और सुबह उसकी राख जल प्रवाह करके आनी है। सुबह जो जल प्रवाह करने जाना है वो आपको 4:30 से 5 बजे के बीच में जाना है, इससे ज़्यादा आप लेट ना करें। 4:30 से 5 के बीच में उस पीली कौड़ियों की राख को आप जल प्रवाह कर दें, और घर से निकलते समय आप अकेले जाएं। इसमें परिवार का कोई सदस्य आप अगर आपके उपाय पे जाते समय सामने नहीं आना चाहिए, आप पहले ही परिवार के सदस्यों को ये हिदायत दे दें कि इस उपाय में जाते समय कोई भी मेंबर आपके सुबह सामने ना आए, ये उपाय आपने करके आना है, और आते समय जब जल प्रवाह हो जाए उसके बाद आते समय हाथ पैर धो के फिर उसके बाद घर पे आना। तो ये बुद्ध की एक जो पितृऋण है उसकी सबसे मेजर रेमेडी है। तो इस तरह से जब तक बुद्ध के पितृऋण का उपाय नहीं होगा, उस
इसको छोड़े बिना आप चाहे जितने उपाय कर रहे हैं वो सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे, कहीं भी आपको उनका परमानेंट रिलीफ मिलने वाला नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप ये उपाय करने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो एक दूसरा उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ बुध के पितृ ऋण का, कि इसमें आपको बुधवार के दिन जिस दिन चौथ नवमी 14/9 101 कुंवारी कन्याओं को आपको देसी घी का हलवा पूरी खिलाना है और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद उनसे आशीर्वाद लेना। कन्याएं जो होंगी वो 101 होंगी, तब जाके ये बुध का पितृ ऋण उतरेगा, क्योंकि जो कन्याएं हैं वो बुध का स्वरूप है। यहाँ हमें अगर वो पीली कोड़े वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो हम ये नवरात्रों में जहाँ बड़े बड़े भंडारे लगते हैं वहाँ में हम इन छोटी बच्चियों का, अगर इस तरह का नवरात्रों में कहीं आयोजन होता हो तो आप ये देखें वहाँ ये आप ऋण का उतारा कर सकते हैं कि छोटी कन्याओं को 101 की संख्या में देसी घी का हलवा और पूरी आप खिलाएं। इससे भी बुध के पितृ ऋण से